जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इंफिनिटी एकेडमी की तरफ से एक कक्षा लाई गई है, जिसमें आज हम 11th क्लास के हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा होगा एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जिसमें तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। यह सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है और यह 11th क्लास का है, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री जितने भी चैप्टर हैं इसमें हमें वर्ल्ड के बारे में पढ़ना होता है, और हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर आ चुके हैं, उसको कर सकते हैं, और हमारा बीपीएससी का भी प्रेस्टीज का कोर्स चालू हो रखा है। चलिए, कहता है रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और उर्वर अर्ध चंद्राकार क्षेत्र यानी फर्टाइल्स सरेसेंट, हाँ सरेसेंट यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। ये रोमन साम्राज्य की बात कर रहा है, जो कि यह बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके फैलाव को लेकर के इसकी चर्चा होती है, जिसमें द रोमन एम्पायर कवर्ड अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरीज दैट इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ यूरोप एज वी नो इट टुडे एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द फर्टाइल क्रिसेंट्स एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं में वैभव से संपन्न था और वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफी सुदृढ़ थी, और वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती। जिस समय वहाँ औरतों को जो तवज्जो दिया जाता था, आज भी आपको देखने को नहीं मिलता है। उनकी स्थिति इन दिनों से भी बढ़िया मानी जाती थी। ठीक है, कहा यू विल सी डेट द एम्पायर्स एम्ब्रेस्ड अ वेल्थ ऑफ लोकल कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, डेट वुमेन हैड अ स्ट्रेंजर्स लीगल पोजिशंस देन दे डू इट मेनी कंट्रीज टूडे। ठीक है, यह एक साम्राज्य की हम चर्चा कर रहे हैं। कहा लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, और जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाव स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। ठीक है, बट इसमें स्लेव आप देखते हैं कि दास श्रम, मतलब जो दास और दस्यु दो होते थे, दास और दस्यु मतलब आपको हम बांध करके रखे हुए हैं। तो दासों के साथ उस समय का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब अंग्रेज आए तो दासों के साथ दास व्यापार होता था। आज जो आप अफ्रीकन पीपल को देखते हैं जो बाहर में है, अमेरिका में जो देखा बराक ओबामा फर्स्ट प्रेसिडेंट्स बने, तो वहाँ पे अफ्रीका से दास का व्यापार किया जाता था अमेरिका के लिए। अंग्रेज जो आज वहाँ ब्लैक पीपल देखते हैं, वही दास उनके पूर्वज हैं, जो स्लेवरी के तौर पर, स्लेव के तौर पर उनको वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ आज भी तो आज उनको नागरिकता मिल गई है, बहुत दिन तक चला विवाद लेकिन नागरिकता मिल गई है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा। बट ऑल्सो डेट मच ऑफ द इकोनॉमी वॉज रन ऑन स्लेव लेबर्स डेइंग फ्रीडम्स टू सब्सटेंस नंबर ऑफ अ पर्सन। रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है, और क पांड्य समाप्ति, ख प्रलेख या दस्तावेज, ग भौतिक अवशेष, यह सारे रोम के पास, आप देखते हैं इतिहासकारों के पास, यह सारे जो जिससे हम उसके बारे में, रोम साम्राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हमारा जो है। ठीक है, रोम हिस्टोरियंस हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज टू गो ऑन, विच वी कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। इसमें आपको टेक्सेस, डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल्स, रिमेन्स, ये सारे आपको देखने को उसमें मिलते हैं। ठीक है, कहा पैपाइरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। पैपायरस से ही लेखन, जो इस पे हम लिखते हैं, वह सामग्री तैयार की जाती थी। ठीक है, उसके बाद इसी चीज को कहा द पैपायरस वॉज अ रेड लाइक प्लांट्स डेट ग्रो अलोंग द बैंक्स ऑफ द नील नाइल, NILE लिखते हैं, इन द इजिप्ट। इजिप्ट की सभ्यता में जो है, वह भी पुरानी सभ्यता है, जिस तरह से हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता देखा, तो
इजिप्ट की सभ्यता देखा, चीनी सभ्यता देखा, मिस्र, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं, ठीक है। उसी की तरह हमने भारत की भारतीय सभ्यता देखा, जो सबसे प्रथम लोकतंत्र अब साक्ष्य मिला है कि हम सबसे पहले विश्व में लोकतंत्र हुआ करते थे, डेमोक्रेटिक सबसे पहले रिपब्लिक हमारे यहाँ हुआ करती थी, ठीक है। इजिप्ट एंड वॉज द प्रोसेस, उसके बाद कहता है प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ राइटिंग मटेरियल्स डेट वॉज अ वेरी वाइडली यूज इन द एवरी लाइफ, ठीक है। वही पैपायरस जो प्लांट था उससे, हाँ। उसके बाद कहा ईसा मसीह के जन्म से लेकर के 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य यूरोप, मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में दो सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये साम्राज्य रोम और ईरान थे। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें जैसे यीशु का जन्म हुआ उससे लेकर के, यानी यीशु यीशु टू 650, ठीक है, इतना तक इनका शासन माना जाता है, 650 तक। और दो शक्तिशाली राज हुआ करते थे जिसमें रोम और ईरान, ठीक है। आगे टू पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, उसके बाद यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, बर्थ ऑफ द क्राइस्ट एंड द इजली पार्ट ऑफ द 7th सेंचुरी से डाउन टू द 630s, द टू एम्पायर्स वर दोज ऑफ रोम एंड ईरान, ठीक है। आगे देखिएगा, उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी, और दोनों को एक फरात नदी जिसको यूफ्रेट्स बोलते थे इनको अलग करने का काम करती थी। यहाँ एक नदी थी जिसका नाम था यूफ्रेट्स, ठीक है, जिसको फरात फरार हो गया, फरात फरार हो गया, तो यही फरात नदी थी जो दोनों को, रोम और ईरान को, अलग करने का काम करती है। ईरान आज भी मुस्लिम बहुल देश है, खाड़ी देश है, तेल उत्पादन के लिए इनका बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे, उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे नदी बहा करती थी अलग करती थी, फरात नदी करती थी, कहा स्प्रेडेड ओनली बाय अ नैरोज स्ट्रीप, नैरोज स्ट्रीप ऑफ अ लैंड दैट रन रन अलोंग द रिवर्स यूफ्रेट्स, ठीक है। आगे देखिएगा, स्पेन से लेकर के पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था, तो यह स्पेन से लेकर के सीरिया तक पूर्व में फैला हुआ था, स्पेन भी आप देख लीजिए है ऊपर, स्पेन है और यह सीरिया तक फैला हुआ था, जिसके बाद कहता है कि समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है, और जिसको मेडिटेरियन सी कहा गया है, मेडिटेरियन जो बफर जोन हुआ करता था इन सब जगहों का, तो यह बफर जोन जो है, यह तीन स्टेट ऑफ, देखिएगा इसमें बफर जोन जो है, एक तरफ से एशिया को, एक तरफ से अफ्रीका को, और एक तरफ से यूरोप को यह जोड़ने का काम करती है। कौन? नहीं, बफर जोन तो था ही, यह जो जोन था जिसमें हमने अभी मेडिटेरियन सी की बात की है, यह लगभग अपना बाउंड्री इस तरह से बनाता है, और उसमें भी लमसम 50 12 सी के आसपास है मेडिटेरियन सी के अंदर, ठीक है। उसका पानी का सबका अपना अपना अमाउंट है। देखिएगा, रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। रोम डोमिनेटेड द मेडिटेरियंस एंड इट वॉज ऑल द रीजन्स रेन हाँ रीजन्स अराउंड दैट सी इज अ बोट डोमिनेट डायरेक्शन डायरेक्शन नॉर्थ एज वेल एज साउथ, ठीक है। आगे देखिएगा, उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महा नदियों राइन और डेन्यू से होता है, अगर और दक्षिण सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान में बनी है। टू द नॉर्थ बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर्स वर फॉर्म्ड बाय द टू ग्रेट रिवर्स, ठीक है। द राइन एंड डेन्यू जो नदी है उससे इसके जो लैंड बाउंड्री का निर्धारण होता है। टू साउथ बाय द ह्यूज एम्पायर इन ह्यूज एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट
ऑफ डिजर्ट कॉल्ड द सहारा, और सहारा नीचे है, यह अफ्रीका का पार्ट में है और लगभग 11 से 12 देशों में इसका स्प्रेड है, फैलाव है, ठीक है, सहारा का। आगे देखते हैं, कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का शमीवा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में रहते थे। तो अफगानिस्तान तक के इलाकों पर इसका नियंत्रण हुआ करता था। आगे देखिएगा, कहा इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ताचीन यानी बृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे, ठीक है। चलिए, क्लियर, वेरी गुड। आगे देखिएगा, फिर कहा दीजिए, टू सुपर पावर्स हैड डिवाइडेड अप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेट द चाइनीज कॉल्ड ता चा इन ग्रेटर्स चा इन रफली द बेस्ट, रफली द बेस्ट साइड, ईस्ट इधर इधर बेस्ट साइड, ठीक है, ईरान वगैरह जो हम देखते हैं। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का था, दिनारियस जिसको हम लोग कहते हैं, दिनारियस जो था डेनारियस जो था यू या रोम का जो कहता है, डेनारियस रोमन सिल्वर्स क्वाइंस कॉन्टेनिंग्स अबाउट 4.5 ग्राम का था और यह था 4.5 ग्राम का, यह 4.5 ग्राम का था, ठीक है। आगे देखिएगा, ग्राम प्योर सिल्वर का था। यह सारी चीज आपको जब ऑब्जेक्टिव वगैरह जब बनते हैं क्वेश्चन में, तो इन सब चीजों को, फैक्ट को थोड़ा दिमाग में रखा कीजिए, वहां पे काम आएगा, पूछ देगा कि कौन सिक्का था, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा क्या था, चांदी का था, उसके बाद तांबा का था, पीतल का था, सोना का था, क्या था, तो उसका ग्राम दे देगा, ग्राम कितना था, तो 4.5 ग्राम का था, ठीक है। आगे देखिएगा, वास्तव में इटली के सिवाय जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था और साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था, और दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है, चरम उसका मतलब पीक पर कब, साम्राज्यवादी नीति में साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने में लगा हुआ था, तब कहते हैं, ठीक है। आगे देखा, इनफैक्ट यूपेट, हाँ इटली देखा, युप्टी, हाँ फॉर इटाली विच वॉज नॉट कंसिडर्ड प्रोविंस इन सेंचुरीज, ऑल द टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर्स वर ऑर्गेनाइज इन टू प्रोविंसेस एंड सब्जेक्ट टू टैक्सेशंस, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, कहा रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से अर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे फैला हुआ करते थे। रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से अर्मेनिया, जिसमें कहा जो रोम था स्कॉटलैंड से अर्मेनिया और कभी कभी और आगे तक या स्प्रेड हुआ करता था, फैला करता था कि सीमाओं तक, उसके बाद सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ करता था, ठीक है, सहारा तक भी इसका फैलाव हुआ करता था। सहारा जो भी यहाँ है, ई सहारा का क्षेत्र है, ठीक है, ई सहारा का क्षेत्र है, इसमें कुछ इधर भी आ जाता है ईरान जो हम देखते हैं, और यही दो साम्राज्य के बारे में, एक ईरान के बारे में पढ़ रहे हैं, एक रोम के बारे में पढ़ रहे हैं, एक रोम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर देखिएगा, कहता है रोम साम्राज्य स्कॉट, हाँ आगे देखिएगा, फिर कहता है आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य में लगभग 60 करोड़ तक पहुंच गई थी, जो इसकी आबादी, रोम की आबादी 60 करोड़ के आसपास तक पहुंच गई थी, 60 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जिसमें उसी चीज को कहा विद द पॉपुलेशन ऑफ द सम, जो रोम की जो पॉपुलेशन थी लगभग 6 करोड़ के आसपास से दूसरी शताब्दी यह पहुंच गई थी, ठीक है। आगे देखिएगा,
भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरों केंद्र यानी कार्थेज, सिकंदरिया तथा एंटीओक इनमें सबसे बड़े थे और सामाजिक प्रणाली के मूल आधार भी थे। आगे देखना, फिर कहता है द ग्रेट अर्बन सेंटर्स डेट लाइंड द स्टो हाँ शॉर्टेज ऑफ द मेडिटेरियंस कार्थेज, उसके बाद अलेक्जेंड्रिया और उसके बाद एंटो हाँ, और फिर वर्ड द बजेस्ट अमंग द देम वर्ड द टू बेडरॉक्स ऑफ द इम्पीरियल सिस्टम। उसके बाद हो गया, कहता है साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चला था और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे कि स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीका और पूर्वी भागों में नए सम्भ्रांत वर्गों का उदय हो रहा था। ठीक है, तो इसका फिर आप देखे थे कि विघटन होगा ही, स्वाभाविक है। कहा दीज ट्रेंड्स रिफ्लेक्टेड द जनरल डिक्लाइंस ऑफ इटली विद इन द एम्पायर्स फिर बोथ पॉलिटिकल्स एंड इकोनॉमिक्स एंड द राइज ऑफ द न्यू इलीट्स ऑफ इन द वेल्दियर एंड मोर अर्बनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द मेडिटेरियन सच एज द साउथ ऑफ स्पेन अफ्रीका अफ्रीका एंड द ईस्ट। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर कहा रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक यानी मजिस्ट्रेट नगर परिषद सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। उसके बाद कहा रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक हुआ करते थे यानी मजिस्ट्रेट नगर परिषद हुआ करते थे यानी सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। ठीक है, अ सिटी इन द रोम सेंस वॉज एन अर्बन सेंटर विथ इट्स ओन मजिस्ट्रेट्स सिटी काउंसिल एंड अ टेरिटरीज कंटेनिंग विलेजेस विच वर अंडर इट्स जुरिडिक्शंस। ठीक है, आगे देखना, किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना रहती थी। उसके बाद फिर कहता है कि सार्वजनिक स्थान गृह रोम में शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। तो यहाँ पे जो रोम में हम देखते हैं इसमें सिटी लाइफ की एक खास व्यवस्था की गई थी। आगे उसके बाद सार्वजनिक स्नानघर यानी बाथ वर स्ट्रिकिंग्स फिर उसके बाद फ्यूचर ऑफ अ रोम अर्बन लाइफ, इसमें सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी यानी सार्वजनिक स्नान गृह भी हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिएगा, एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहां कोई ना कोई मनोरंजन कार्यक्रम या प्रदर्शन आवश्यक होता था। मतलब पूरे साल 365 दिन में 167 दिन मौज मस्ती हुआ करता था। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, श्रमिकों पर नियंत्रण कंट्रोलिंग वर्कर्स, चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनाने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी और इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। इन द 4th सेंचुरी सीरियसली चैलेंजेस दिस इंस्टीट्यूशन, इट डज नॉट फॉलो डैट द बल्क ऑफ द लेबर इन द रोम इकोनॉमी वॉज द परफॉर्म्ड बाय स्लेव्स। ठीक है, जहां अगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे,
अगस्टस की बात करते हैं, अगस्टस में जो 75 लाख की इसकी पॉपुलेशन थी, जिसमें से 30 लाख स्लेव थे, ठीक है, मतलब इतने लोग दास थे जो उनके पैर में, बाद में आकर के तो पैर में बंधा हुआ हाथ में कहीं वो भाग ना जाए, उनका विशेष मोहर मारा जाता था कि दूसरे दास में जाकर के मिल ना जाए, मवेशियों के मोहर मारे जाते थे कि कहीं भटक करके दूसरे मवेशी में झुंड में जा ना जाए, कैटल्स वगैरह में, इन सब चीजों को देखा जाता था। आगे, इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही हो गया, बात खत्म। जहां अगस्टस के शासनकाल में हमने देखा कि 75 लाख जनसंख्या में से 30 लाख जनसंख्या वे उनकी स्लेव्स थी, ठीक है, दास दासी दोनों होगा, मियां बीवी दोनों, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, और जिससे इन गुलाम श्रमिक को रखने की लागत बढ़ जाती थी। तो जो राजा हुआ करते थे, सब एफोर्डेबल नहीं, सब एफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो गुलाम रहते थे तो उनके वर्ष भर रखेंगे, हर समय तो काम चलता नहीं था, कृषि प्रधान हर जगह होता ज्यादातर, ऐसा तो था कि आधुनिक ट्रैक्टर था ऐसे, उसके बाद इंडस्ट्री था, सीमेंट फैक्ट्री था, बाद ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उस समय जो ज्यादा दिन रखने से साथ, तो इसीलिए बहुत राज्य उसको छोड़ देते थे गुलाम्स को। इसी तरह से देखिएगा, स्लेव्स लेबर्स वुड हैव बीन अ एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव अनलाइक वर्कर्स स्लेव्स हैड टू बी फेड एंड मेंटेन्स देयर, उसके बाद थ्रू आउट द एयर बीच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग्स दिस काइंड्स ऑफ लेबर। आगे, मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी, यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे गुलामों को, स्लेव्स को। कहा, मास्टर्स ऑफन गेव देयर स्लेव्स और फ्रीडम्स कैपिटल टू रन बिजनेसमैन ऑन देयर बिहाफ और इवन बिजनेसमैन ऑफ देयर ऑन, ठीक है। आगे, दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और उनके बच्चे भी आगे चलकर के दास ही बनते थे, ठीक है। कहते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ द इनकरेजिंग फीमेल स्लेव्स एंड देयर पार्टनर्स टू हैव मोर चिल्ड्रेन हु वुड ऑफ कॉल हाँ कॉजेस और हाँ करेज करेज ऑल्सो बी स्लेव्स, ठीक है। आगे, वरिष्ठ प्लिनी एक प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञान के लेखक ने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का यह सबसे बैड मैनर है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूहों में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था, मतलब यहाँ से वहां तक दास अगर है 1000 दास है तो सबके पैर में जंजीर, एक इसके पैर में, अगला फिर इसके पैर में, इसके पैर में, ऐसे करके, या इस तरह दीवार में लगा हुआ है जंजीर, ऐसे लटका करके लोगों को खड़ा करके रखा जाता था। कभी कभी जब अफ्रीका से जब दास इंग्लैंड के लिए जाते थे तो उसमें क्या होता था कि लमसम 1000 दास जा रहे हैं शिप पे, जिसमें से 100 200 300 दास ऐसे ही मर जाता था। यात्रा दो दो तीन तीन महीना का होता था, दो दो तीन तीन महीना का यात्रा होता था। अब सोचिए, उतना बड़ा यात्रा में उदास वैसे बांध के रखा हुआ है, ना सोने का ठीक, ना कुछ हो ठीक। ये जो यूरोप वाले आज हाइजीन की बात करते हैं कि हम ये हैं वो है, ससुरी के बहुत को बर्बाद किया है, बहुत को बर्बाद किया, थोड़ा मोड़ा को नहीं, बहुत को बर्बाद किया है, हर जगह लूटा है, अपना पास है क्या, भिकमंगा है साला, भिकमंगा है, कुछ नहीं है। आज सिविलाइज का जो पास्ट पढ़ा रहा है क्या है। आगे देखिएगा, 398 के एक कानून में यह कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था, मतलब जो दास थे उनको दागा जाता था, ताकि यदि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। ये लॉ ऑफ 398 रिफर टू वर्कर्स बींग्स बैंडेड बैंडेड
banded so they could be recognized if and when agreements with the workers run away and they try to hide और छुपने का कोशिश करे तो ठीक है। देखिएगा हाल ही में खोजे गए अगस्टिन के पत्रों में से एक पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि सब कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे, ठीक है, इसमें सर्विचुअल्स फॉर पीरियड्स ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है, चिल्ड्रंस इन टू द सर्वाइवल्स सर्विचुअल्स। आगे देखिएगा, कहा हालांकि तीसरी शताब्दी के मध्य तक बाइबिल की कैपिटल कॉपिटिक भाषा में अनुवाद हो चुका था और उसके बाद आर्थिक विस्तार इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ध्यान दीजिएगा, साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या काफी अधिक थी, ठीक है। उसके बाद द एम्पायर्स हैड सबटाइटल्स इकोनॉमिक्स, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ लेबरर्स, माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड्स, ओलिव ऑयल्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, ठीक है। आगे देखिएगा, शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। एम्फोरा में शराब, मटकों, जैतून के तेल, इन सब की ढुलाई हुआ करती थी। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद है। उल्लेखनीय है कि आगे रोम में मोटी टेस्टेकियो यानी मोंट टेस्टेकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक नट मटकों के अवरोध पाए गए। आगे स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल्स 20 कहते थे, ठीक है। आर्थिक विस्तार देखते हैं, इसमें कहता है साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफी अधिक थी, ठीक है। इसी में कहा गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी। फिर शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। स्पेन में जैतून के तेल निकालने का कार्य 140 से लेकर के 160 चरमोत्कर्ष पर था, मतलब अपने पीक पर था। फिर कहा ड्रेसल्स, 20 जैतून तेल में ले जाया जाता था ड्रेसल, ठीक है। हेनरी ड्रेसल्स आर्कोलॉजिस्ट के नाम पर यह ड्रेसल पड़ा है, ठीक है, रखा गया है। आगे देखिएगा, फिर कहता है कि परिवर्तित 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिण एशिया, माइनर तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, और जबकि भूमध्य के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी आ गई, जो अफ्रीका से आती थी उसमें कमी आ गई। द ईस्ट इन द लेटर्स 15th and 16th centuries, द एगिना, साउदर्न एशिया माइनर, टर्की, सीरिया एंड फिलिस्तीन्स बिकम्स मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ वाइन एंड ऑलिव ऑयल एंड कंटेनर्स फ्रॉम अफ्रीका, सो अ ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड presence of Mediterranean markets behind this border mount, उसके बाद moment the prosperity of individuals regions rose and fell depending on law effectively the could organize the productions of how transport to particular goods, ठीक है। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरकता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। द एम्पायर इंक्लूडेड मेनी रीजन्स डेट हैड रिप्यूटेशंस फॉर एक्सपेंशनल
फर्टिलिटी, ठीक है, एग्जाम्पल जिसमें कहा कि इटली में कैसे, इटली में कैंपेनिया, सिसली, मिस्र में फयूम, गैलीली, बाइजेकियम, ट्यूनीशिया, दक्षिणी गॉल जिसे गैलीलिया नॉर्वेशिया कहते हैं, तथा बायटिका द स्पेन, ठीक है। आगे स्ट्रेबो तथा प्लीनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के धनी आबादी वाले, घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में थे, ठीक है। आगे देखिएगा, दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े भाग हिस्से बहुत कम अन्य अवस्था में थे, यानी ऑन द अदर हैंड लार्ज एक्सपेंशन ऑफ रोम टेरिटरीज वर इन अ मच लेस एडवांस्ड स्टेज। उसके बाद एग्जाम्पल, नुमीडिया, आधुनिक अल्जीरिया, जो आज का अल्जीरिया है उसको नुमीडिया कहा जाता था, के देहाती क्षेत्र में ऋतु प्रवास यानी ट्रांसह्यूमेंस यानी व्यापार पैमाने क्या व्यापक पैमाने पर होता था। आगे देखिएगा, स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिक केल्टिक यानी केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी, जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे, ठीक है। आगे देखिएगा, उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। श्रमिकों पर नियंत्रण, अब देखते हैं, कंट्रोलिंग वर्कर्स, भूमध्य और निकटवर्ती पूर्वी पश्चिम एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी और चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। आगे देखिएगा, फिर कहता है, रोमन कृषि विषयक लेखकों को श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया और दक्षिण स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक को कोलुमेल्ला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी जरूरतों से दोगुनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लागत होता रहे, और क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसे मदों की लागत से अधिक बैठती थी, क्योंकि दास उसके पालन पोषण में ज्यादा खर्च होता था, जिसके कारण से इसको कहा। आगे फिर कहा, वरिष्ठ प्लिनी यानी प्लिनी द एल्डर्स द ऑथर ऑफ अ वेरी फेमस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लिखा था इन्होंने, कमेंडेड द यूज ऑफ द स्लेव गैंग्स एज द रॉस्ट मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शंस, mainly because slaves who worked in gangs were usually chained together by their feet, clear। आगे देखिएगा, इन्होंने जो वरिष्ठ प्लिनी थे इन्होंने कहा कि दास द्वारा समूहों में निंदा की हाँ द्वारा दास समूहों की निंदा की यह उत्पादन आयोजित करने की सबसे खराब तरीका है, जो प्रोडक्शन लोग बढ़ाते थे उसके बारे में इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि 398 में एक कानून में यह कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने और पिछिपने का काम करें तो उनको पकड़ा जा सके। फिर देखिएगा, दूसरी शताब्दी की प्रारंभिक अवधि का एक लेखक हमें बताता है कि हजारों श्रमिक गुलामी के काम के लिए आत्मसमर्पण करते हैं और हालांकि वे मुक्त हैं, दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवार ने तो जीवित रहने के लिए ही ऋणबद्धता स्वीकार कर ली, कहे कि खाना उना तो हमें मिल जाता था, इसकी वजह से वह चाहते थे कि हम दास ऋण जो है उसको स्वीकार कर ले। ऑगस्टीन के पत्रों से कहता है कि माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे, वही चीज है। पांचवी शताब्दी के अंतिम में उससे पहले ग्रामीण ऋणग्रस्त और भी व्यापक थी, क्योंकि कर्जदारी का एक उदाहरण कि 66वीं ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण बॉन्ड नष्ट कर दिए थे, ठीक है। आगे देखिएगा, पांचवी शताब्दी के अंतिम वर्षों में साम्राज्य उसके बाद एनेस्टेसियस ने इसमें क्या किया, ऊंची मजदूरी देकर के और समूचे पूर्वी क्षेत्रों में श्रमिकों को आकर्षित करने 3 सप्ताह में, ठीक है, श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह में उनके काम के लिए जो किया, मतलब बढ़ाया काम का
वेतन उनको ज्यादा दिया। पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दादा शहर का निर्माण किया गया था ये 3 सप्ताह में। सामाजिक श्रेणी सोशल हायरार्की, जिसमें कहा इतिहासकार टैक्सियस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है कि सैनेटर प्रैक्टिस शाब्दिक अर्थ में पिता और अश्वरोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था, और फूहड़ निम्नतर वर्ग यानी कमीन कारू लेप्स सोडियार्ड, जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदि थे, और अंत दास कहा। तीसरी शताब्दी सेनेटर सदस्य की संख्या 1,000, जिसमें दिन में आधे इतालवी परिवार के थे, ठीक है। उसके बाद परवर्ती साम्राज्य के प्रथम 3 शताब्दियों में प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त, कारण स्पेन की खानों से चांदी मिलना बंद हो गया, और उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की, और परवर्ती समूचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा, ठीक है। रोम साम्राज्य, यह नौकरशाही धनी थी यहाँ की, कारण वेतन सोने के रूप में मिलता था और भ्रष्टाचार बहुत फैल गया था। और फिर आगे देखिएगा, विशेष रूप से न्याय प्रणाली गौर सैन्य आपूर्तियों का प्रशासन में उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए, और भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने बारंबार हस्तक्षेप किया। उसी के आगे देखते हैं कि रोम राज्य तानाशाही पे आधारित थी। रोम जो सरकार थी वह तानाशाही की सरकार थी, और जानकारी मिलती है कि सरकार की अनेक कानून बनाए गए आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर उसके बाद हिंसात्मक कार्यवाही से देती थी। मतलब सरकार जो विरोध करता था तो उसको मरवा दिया जाता था, कटवा दिया जाता था, इस तरह से। लेटर एंटीक्विटी परवर्ती पूरा काल अंतिम शताब्दियों में उसके सांस्कृतिक परिवर्तन पर दृष्टिपात करें, जिसमें कहते हैं प्रवर्ती काल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4थी से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई है। 4थी शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिवर्तित थी, और कहता है कि सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक और आर्थिक हलचलों से परिवर्तित हुई, और जिन कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय, और दूसरा या 7वीं शताब्दी के में इस्लाम का उदय और राज्य के ढांचे में परिवर्तन, ये परिवर्तन साम्राज्य डायोक्लिसियन डायोक्लिसियन से, ठीक है। तो ये आपकी कक्षा समाप्त होती है, हम अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।